नमस्कार, आप देख रहे पॉलिटिकल ट्रेंड्स न्यूज। महंगाई और पेट्रोल डीजल समेत अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस नेता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव और डॉक्टर राजेश गुप्ता छोटू समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने जुटीले अंदाज में पोस्टर लॉन्च कर केंद्र सरकार का विरोध किया। पोस्टर में महंगाई को लेकर कई बातें लिखी गई थी, जिसमें ऐसे नहीं पूरी ताकत से बताइए कि पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, पेट्रोल पहुंचा 109 के पार, जरा 5 लीटर विकास डाल दो, जितने की बढ़ोतरी हुई है उतने की गैस कम दे दो भैया, दूध पीकर साइकिल चलाएं, सेहत बनाएं, आत्मनिर्भर बने। इसके अलावे पोस्टर में और भी कई बातें लिखी गई थी। मौके पर आलोक कुमार दुबे ने कहा कि आज सांकेतिक रूप से पोस्टर लॉन्च की गई है, इसी पोस्टर को बड़े बड़े होर्डिंग के रूप में पूरे राज्य में लगाया जाएगा और जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। साथ ही महंगाई को लेकर राज्य व्यापी आंदोलन में जन भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। कांग्रेस नेता आलोक कुमार दुबे ने कहा कि महंगाई के खिलाफ आंदोलन में भाजपा को भी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए एवं साथ देना चाहिए। और सरकार बयानबाजी करके मुनाफाखोरों को, भ्रष्टाचारियों को आगे ला रही है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो लोगों की आशंका थी कि पेट्रोल, डीजल, गैस, सीएनजी के दाम बढ़ेंगे, आज के दिन रांची में पेट्रोल 109 रुपए प्रति लीटर हो गया। 2014 में जो गैस 400 रुपए में मिला करते थे, आज 1200 रुपए में मिल गया। दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत कम होने के बावजूद देश की जनता को उसका फायदा नहीं मिला। झारखंड राज्य में कांग्रेस जनों द्वारा एक राज्य व्यापी आंदोलन की हम तैयारी कर रहे हैं। आज हमने पोस्टर लॉन्चिंग किया है, इसके माध्यम से हम हास्य विनोद भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी ये कहा करते थे, भाइयों बहनों पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, भाइयों बहनों अब की बार किसकी सरकार। तो ये सब चीजें हम लोगों ने पोस्टर के माध्यम से दिखाया है। बेरोजगारों को रख लिया है धक्का मारने के लिए गाड़ी में, विकास ये दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब चीज पोस्टर के माध्यम से जनता के बीच जाएंगे। आपको भी घरों से बाहर निकलना है और ये जब तक सिर्फ राजनीतिक दलों की ये जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी आम लोगों की भी है। आम लोग निकलेंगे तभी ये केंद्र की सरकार को जो है असर पड़ेगा। बल्कि मैं आपके माध्यम से तो बीजेपी के नेताओं को भी कहता हूँ झारखंड के, कि आप भी साथ दीजिए इस महंगाई के मुद्दे में, वरना कहीं के नहीं रहिएगा।